क्या सीन है। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे WWE में घटी अनोखे मोमेंट्स के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 2006 की WWE की एक एपिसोड में एक बहुत ही मजेदार मैच हुआ सिल्विन वर्सेस बिसरा के बीच। और इस मैच के शुरू से बिसरा अपने मूड में थे और मैच के दौरान बिसरा सिल्विन का घोड़ा बना के उनके साथ बहुत ही अच्छा काम किया और ये मूव बहुत ही फनी था। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कौन सी मूव है ये, मतलब टप टप टपा टप। और बाद में बिसरा पावरबॉम्ब देके उस सुपरस्टार को हराया और इसके बाद रिंग साइड पर आ गए और एक फैन के साथ हाईफाई करने के बाद और खाने की चीज़ छीन लिया। और इसके बाद गए रिंग अनाउंसर लिलियन गार्सिया के पास और गार्सिया को बोला तुम एक बार फिर से मुझे विनर डिक्लेयर करो। और लिलियन बिल्कुल वही किया और इसके बाद लिलियन को जो खाने का चीज़ था वो ऑफर किया लेकिन बिसरे के स्टाइल में और बिसरे मोमेंट की बहुत मजे लिए। तो आपको ये मैच कैसा लगा एक कमेंट तो कर दो। WWE की एक एपिसोड में बुगीमैन वर्सेस पॉल बर्चेल के बीच एक मैच हुआ और इस मैच में बुगीमैन बहुत डोमिनेट किया बर्चेल के ऊपर। बट गाइस एट द एंड इस मैच में बर्चेल की पार्टनर एक महिला अटैक किया बुगीमैन को पीछे से लेकिन बुगीमैन को कुछ नहीं हुआ और गुस्से में आकर बुगीमैन उस महिला को अटैक करने लगे। हालांकि वो महिला भागने की कोशिश की लेकिन बुगीमैन उनको पकड़ लिया और इसके बाद निकाला अपने जेब से केचुए और जैसे ही वो महिला के मुंह में केचुए डालने जा रहे थे तब बर्चेल उस फीमेल को बचा लिया। 2002 में रॉकी एक एपिसोड में जास नाम की एक फीमेल सुपरस्टार बाबा रेडली को गैस सिलेंडर से अटैक किया था और बाबा रे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और इसीलिए गलती से जैस को अटैक करने के बजाय बाबा रे ट्रिश को ही पावरबॉम्ब मार दिया और इसके फायदा लिया एक और मेल सुपरस्टार। वो सुपरस्टार ट्रिश के ऊपर चढ़ गए और ट्रिश को बीट किया और इसके बाद जब बाबा रेडली को पता चला कि उनसे गलती हो गई वो ट्रिश को लेकर रिंग से चले गए वो भी अपने बाहों में लेके। 2004 के रॉकी एक एपिसोड में केन एक मैच जीतने के बाद थे सेलिब्रेशन कर रहे थे और तभी आई लीटा और लीटा को देख के केन बहुत ज्यादा खुश हो गए लेकिन लीटा पीछे से अटैक किया केन को और केन के अखरोटों में एक किक जड़ दिया और इसके बाद केन लीटा को चोकस्लैम मारने की कोशिश की लेकिन केन लीटा को चोकस्लैम नहीं मार पाए क्योंकि लीटा के पेट में केन का बच्चा था यानी कि लीटा उस समय प्रेग्नेंट थी। और गाइस यही तक थी कुछ मोमेंट जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो कैसी लगी ये वीडियो एक कमेंट तो कर दो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।